हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती 2022-23 के लिए संविदा और प्रतिनियुक्ति दोनों के माध्यम से 23 पोस्ट के लिए विज्ञापन पुनः जारी हुई है। इसके लिए 6 स्कूल में टोटल 23 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें व्याख्याता के साथ साथ शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और ग्रंथपाल के भी पोस्ट हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई गई है। ऐसे ही जॉब की जानकारी के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह विज्ञापन कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सुकमा के लिए निकाली गई है। इसमें 6 स्कूल सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़, दोरनापाल, उसके बाद कुकानार, इसके बाद तोकापाल के लिए या 6 स्कूल के लिए आपको पुनः विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसमें संविदा प्रतिनियुक्ति दोनों के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसके लिए अंतिम तिथि 26/9/2022 रखी गई है। आपको आवेदन स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक या स्वयं उपस्थित होकर आप कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके बाद इसके लिए पोस्ट का विवरण देख लें तो इसमें 6 स्कूल के लिए अलग अलग हैं। इसमें व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के पोस्ट हैं। वाणिज्य के लिए एक एक पोस्ट तीनों स्कूल के लिए निकाले गए हैं। इसके लिए सैलरी 38,000 रुपये रखी जाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक के साथ अंग्रेजी माध्यम में पास होनी चाहिए, इसके साथ बीएड होनी चाहिए। इसके बाद इसमें शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के भी पोस्ट हैं, जीव विज्ञान के एक एक पोस्ट हैं, अंग्रेजी के भी पोस्ट हैं, कला के भी पोस्ट हैं और गणित के लिए भी एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें 50% अंक के साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और इसमें बीएड पास होनी चाहिए, शिक्षक के लिए यह क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए भी एक पोस्ट निकाले गए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन, इसमें 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके बाद बीएड होनी चाहिए और इसमें 3 वर्ष का कार्य का अनुभव आपके पास संस्था का होनी चाहिए। इसके बाद सहायक शिक्षक के अंग्रेजी के, गणित, जीव विज्ञान और कला के लिए भी पोस्ट हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें 10+2 50% अंक के साथ अंग्रेजी माध्यम में 12वीं पास होनी चाहिए, जिसमें आपका विषय होना चाहिए जीव विज्ञान, गणित और कला। इसके साथ साथ डीएड और डीएलएड भी पास होनी चाहिए। इसके बाद ग्रंथपाल के भी एक पोस्ट निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन में इसमें 12वीं पास रखी गई है 50% अंक के साथ। इसके बाद इसमें बी लीप और पुस्तकालय सहायक के रूप में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से इन सभी की क्वालिफिकेशन बता दी गई है। इसमें टोटल 23 पोस्ट निकाले गए हैं। अंग्रेजी माध्यम के पोस्ट हैं। संविदा और प्रतिनियुक्ति दोनों के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इस पोस्ट के लिए नियम एवं शर्तें देख लें तो इसमें प्रथम, इसमें प्राथमिकता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी, इसके बाद संविदा भर्ती की जाएगी। इसमें यहां पर सुकमा जिले के स्थानीय निवासी को 5 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। बाकी सभी जिले के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया दी हुई है। 70% शैक्षणिक योग्यता होगा, स्थानीय निवासी का 5 अंक दिए जाएंगे, अनुभव का 10 अंक होंगे और इसमें इंटरव्यू का 15 अंक होंगे। इस प्रकार से आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको इंटरव्यू 10 अभ्यर्थी को एक पोस्ट के अनुसार बुलाया जाएगा। अनुभव का भी यह विवरण दिया हुआ है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ग्रंथपाल के लिए अलग है, बी लीप का 80% है और 15 अंक इसमें साक्षात्कार और स्थानीय निवासी का 5 अंक दिए जाएंगे। ऐसे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें सभी जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पृथक पृथक आवेदन करने होंगे और इसमें आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसार न्यूनतम 21 से 35 वर्ष तक रखी गई है। इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाती है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसके लिए यह सब इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं, आप इसे देख लें, एक बार पढ़ लें। इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र करना है। इसमें आपको आवेदित पद का नाम सबसे पहले लिख देना है, विषय और माध्यम लिखना है, फिर आपको प्राथमिकता का क्रम आपको स्कूल के अनुसार नहीं भरना है, स्कूल का प्राथमिकता का क्रम देना है, सिग्नेचर फोटो कर देना है। इसके बाद बेसिक जानकारी फिल कर देनी है, शैक्षणिक योग्यता लिख देनी है 5वीं से पूरी और आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ लगाने हैं। प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर देंगे और आपको यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है, उसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करने हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बता दी गई है। इसका पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस वहाँ से जा डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।